पूरे सदन का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। राजीव गौड़ा जी, अशोक वाजपेयी, रवि प्रकाश वर्मा जी, आबिर रंजन विश्वास जी, काक्षान परवीन जी, के रागेश, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, सुशील गुप्ता, राम कुमार कश्यप, हुसैन दलवाई, वीर सिंह, विनय विश्वम एंड हनुमंतैया जी। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द मेंबर्स। ये एक छोटा बिल है जिस बिल का मूल उद्देश्य एक एनोमली जो ध्यान में आई वो दूर करना है। एनोमली क्या है? ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, ये सारे केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जो 17+6 23 यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने ये काम विदाउट परमिशन 2011-12 में शुरू किया। हमारे जब ध्यान में आया तब हमने उसको तुरंत ये किया कि आगे से 2016-17 से उनको परमिशन लेने को लगाया, और परमिशन लेने के बाद जो बीच का पीरियड है वो पीरियड अब लीगलाइज करने की बात है, क्योंकि 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें नहीं तो सफर होंगे, उनके हाथ में डिग्री रहेगी लेकिन उसको कोई मान्यता नहीं होगी। और इसलिए इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ NCERT खुद, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मेनी यूनिवर्सिटीज, ये सब यूनिवर्सिटीज़ का ही कोर्सेस थे। और इसलिए जो एक विषय पैदा किया कि ये बिल क्यों लाना पड़ा, इस तरह से इतने अच्छे यूनिवर्सिटीज़ वाले भी अगर लापरवाही करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी होगी, हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को यूनिवर्सिटी में कहा है और यूनिवर्सिटीज़ वो काम कर रही है। लेकिन इस निमित्त से बहुत अच्छी चर्चा हुई, उसका केवल संक्षेप में उल्लेख करूँगा। पहले तो ये है कि टीचर का महत्व बहुत है और टीचर एजुकेशन का पूरा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और इसलिए अब हमने इंटीग्रेटेड बीएड की कल्पना रखी है और उसकी तैयारी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड बीएड के आज जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें केवल हनुमंतैया जी थोड़े लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इंटीग्रेटेड बीएड पूरा शुरू नहीं हुआ है। अब हम आगे से केवल इंटीग्रेटेड बीएड को ही मान्यता देंगे, 2020 से लेकर जो आगे सभी नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेशन इसी साल मंगाएंगे, क्योंकि जिस कॉलेज में बीए पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बीएससी पढ़ाया जा रहा है, वही अगर इंटीग्रेटेड कोर्सेज शुरू होते हैं तो वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज बहुत अच्छे चलेंगे। जैसे लॉ का 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है और वो सक्सेस हुआ है, वैसे ये भी होगा। लेकिन तब अभी जो बीएड है वो तुरंत रद्द नहीं होता है, जैसे लॉ का डिग्री प्लस दो ईयर का LLB होता है वो अभी भी चलेगा, लेकिन इंटीग्रेटेड है वो ज़्यादा पॉपुलर होगा, उसमें ज़्यादा नौकरियां मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो ये पहला बात है। लास्ट मुद्दा इसमें है कि अभी नए बीएड और डीएड कॉलेज खोलने की परमिशन हम नहीं दे रहे, पिछले 3 साल से 0 ईयर किया है, क्योंकि आगे से परमिशन केवल इंटीग्रेटेड बीएड की ही मिलेगी। ये भी सच है कि अनेक माल प्रैक्टिसेस थे, 17,000 से ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट बढ़ गए बीच के दिनों में, और उसको चेक करने के लिए हमने सबसे एफिडेविट लिया, उनकी वीडियोग्राफी का ये मांगा कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो सबके एफिडेविट हमारे पास आए हैं और उसकी शिनाख्त जारी है, लेकिन मैटर कोर्ट में भी है इसलिए उसमें थोड़ी रुकावट आई है। एक मुद्दा उठा, लोगों ने बहुत जगह पूछा कि मूल टीचर एजुकेशन में सुधार करने का बिल चाहिए, वो आएगा, क्योंकि उसमें NCTE का रीजनल कमेटी का जो विषय आया, कानून ऐसा बन गया NCTE का कि जिसमें रीजनल कमेटी को बहुत ज़्यादा अधिकार है और नेशनल काउंसिल को कुछ भी अधिकार नहीं है, और इसलिए ये जवाब लोकसभा में देना पड़ता है कि रीजनल कमिटीज़ ने हमें हिसाब नहीं दिया इसलिए बैलेंस शीट नहीं दे पाए। तो ये जो है स्थिति, इसको दुरुस्त करेंगे, और टीचर एजुकेशन का जो प्राण है कि अच्छे टीचर पैदा हो, उसके लिए काम करेंगे। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं। 14 लाख टीचर्स ऐसे थे कि जो पढ़ा रहे थे लेकिन केवल 12वीं थे,
उनके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं था, उसके लिए हमने स्वयं ये अपना जो पोर्टल है उसके तरफ से ऑनलाइन और टीवी पर ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज शुरू किए। खासकर पूर्व भारत के 5-6 राज्यों में ज़्यादा ये मुद्दा था, बाकी भी राज्यों में था, लेकिन उसमें मुझे खुशी है कि जब हमने ये पिछली बार हमने 2 साल उसको एक्सटेंशन दिया था तो एक्सटेंशन का फायदा उठाते हुए सभी 14 लाख टीचर्स ने रजिस्टर किया, उनकी अब अच्छी पढ़ाई हुई। उसमें लेक्चर है, मटेरियल है, ट्यूटोरियल है, डिस्कशन फोरम है। हर 2 सप्ताह में एक बार टीचर्स इकट्ठा आते ब्लॉक स्तर पे या छोटे जगह पर भी जहाँ जैसी संख्या है, और उनको पढ़ाया जाता है वहाँ भी और रिमोटली भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वो आशंकाएं पूछ सकते हैं। 3 परीक्षाएं हुई है और अभी चौथी फाइनल परीक्षा मार्च में होगी। एक साथ 14 लाख टीचर का ये प्रोग्राम DLED का बहुत सफल हुआ है और ये मुझे घोषित करते हुए बहुत आनंद है कि ये करेंगे, और इसलिए बाकी सारे मुद्दों को हम देखेंगे और उसमें निश्चित सुधार करेंगे, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान ज्ञान न होवे। और आज सावित्रीबाई फुले जो एक तरह से पहले महिलाओं को पढ़ाने वाली टीचर थी, उनकी आज पुण्यतिथि है, और इसलिए आज इसी जन्मदिन है उसके उपलक्ष में आज हम ये बिल पास करेंगे, और आगे जो शिक्षा को सार्थक बनाने वाला दूसरा बिल भी आप ऐसे ही पास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।